एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ऐसा तो है नहीं कि यार मतलब कुछ भी एनसीईआरटी से नहीं आना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी से तो वो ये क्वेश्चन है। हाय ट्वेल्थीज, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होगे। स्वागत करता हूँ तुम सबका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है अर्बन विद्या, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बाय वन एंड ओनली मैथमेटिशियन शोभित जैन। सो हियर वी आर विद वन मोर क्विक ड्राइव सेशन, धमाकेदार क्विक ड्राइव सेशन ऑन सम मेसमराइजिंग क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी इन बोर्ड्स 2020। सो भाई चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एक्चुअल में इन्फिनिटी वाली वैरायटी के क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, मगर इंपॉर्टेंट है ये वैरायटी भी क्योंकि पास्ट में इससे क्वेश्चन आ चुका है। सो लेट्स डू इट, इग्नोर नहीं करना है, इस वैरायटी को भी ध्यान से देखो। और अगर आप इसके जैसे और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैंने प्रैक्टिस शीट में उन्हें शामिल किया हुआ है, जो कि आपको नीचे दी हुई लिंक में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में प्रैक्टिस शीट की लिंक्स हैं, आपको हर वीडियो के नीचे वो मिलेगी, जो भी क्विक ड्राइव वाले हैं तो आपको उसे फॉलो करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर वेरी रिग्रेस प्रैक्टिस विच विल डेफिनेटली लीड यू टू द नाइसेस्ट स्कोर यू कैन हैव विथ yourself in your board's mark sheet. चलिए, so क्या दिया हुआ है इस question में? Y equals to ax की power ax की power ऐसी चलती जाएगी till infinity. तो आपको prove करना है dy by dx is equals to कितना है? Y square log y upon x into 1 minus y log x log y. तो चलिए कैसे करना है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको जो रिपीटिंग यूनिट है उसे समझना पड़ेगा, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। आप यहां पर क्या देख रहे हैं? y equals to ax to the power ax to the power ax ऐसा चलते जाने वाला है। तो मैं अगर यहां पर बोलूं तो ax जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट है। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई अगर आप इसमें से किसी एक को अगर हटा देते हो तो ऑब्वियस है इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और उसमें से कुछ एक चीज अगर कम हो भी जाए तो इट हार्डली मैटर्स, इट रिमेन्स द सेम। सो वही एग्जैक्टली यहां पर हुआ कि हम लोगों ने इस एक ax को अगर इग्नोर कर भी दिया तो ऊपर ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है इसको हम यही तो बोल सकते हैं जो सामने आपको दिया हुआ है, मतलब कि y। तो हमने यहां पर y equals to ax और जो रिपीटिंग यूनिट है उसको वापस लिख दिया y। अब यहां पर log की एक प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी कभी पावर में फंक्शन जाएगा, पावर में कॉन्स्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पावर में फंक्शन जाएगा तो उस केस में हम लॉग लगाएंगे। ये मैंने आपको बुलेट कॉन्सेप्ट में बताया था। तो अभी यहां पर आप देख रहे हो एक्स और वाई दोनों के दोनों पावर्स में, और एक की पावर दूसरी बन गई है यहां पर। तो इस केस में अपन अब क्या करने वाले हैं? लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ए एक्स वाई, ये अपन ने पहले लिखा, ये एक्स की पावर वाई को अपन ने पहले इस प्रॉपर्टी से कि लॉग ए की पावर एम इक्वल्स टू एम लॉग ए होता है सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि अभी भी एक्स की पावर में वाई तो अभी भी है, मतलब अभी ये पावर से ए की तो आ गया नीचे उतर चुका है, लेकिन एक्स की पावर में अभी भी वाई है तो अभी हम डिफ्रेंसिएशन चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक और मरतबा लॉग लगा दिया वहां पर, और हमने यहां क्या देखा? लॉग ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ लॉग ए। तो अब ये कैसे हुआ? ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, आपने लॉग में देखा लॉग एम एन इक्वल्स होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो उस तरीके से आपने इसे लिख दिया लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ लॉग ए। देन व्हाट गाइस, अभी ना ये अगली स्टेप में ये वापस दोबारा यही वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग ए टू द पावर एम इक्वल्स टू एम लॉग ए, तो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग ए लॉग ऑफ लॉग वाई। सो नाउ इट्स रेडी टू डिफरेंशिएट, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए अब डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन लोग। यहां पर जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले मैंने इस बाहर वाले लॉग के लिए करा तो कितना हुआ 1 अपॉन लॉग वाई, फिर मैं लॉग वाई के लिए गया चेन रूल से तो कितना हो गया 1 अपॉन वाई, और क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है और अपन वाई का कर रहे हैं इसलिए अपन ने फिर लिखा इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका एल एच एस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आर एच एस पोर्शन यहां पर अपन इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो अपन लोगों ने पहले वाई को एज इट इज छोड़ दिया, लॉग एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स हो गया, तो वाई इनटू 1 अपॉन एक्स इज वाई अपॉन एक्स। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? दूसरे पार्ट की, यानी कि अब y को डिफरेंशिएशन करना है, log x को ऐसे छोड़ना है, तो log x dy by dx ये हो चुका है।
अब इसके बाद ये तो कॉन्स्टेंट है, इसकी तरफ देखना ही क्या है, ये तो सीधा आप जीरो लिख सकते हो तो लिख दिया जीरो। देन कम्स व्हाट, dy बाय dx के टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लो, नॉर्मल जो टर्म्स हैं विदाउट dy बाय dx वाले उन्हें दूसरी तरफ रहने दो, और फिर इसे कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हो कि वही आंसर मिल गया जो आपको चाहिए था। दैट इज y स्क्वायर log y अपॉन x इनटू 1 माइनस y log x log y। हुआ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx व्हेन x इक्वल टू sin क्यूब थीटा अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू cos क्यूब थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। सो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ऐसा तो है नहीं कि यार मतलब कुछ भी एनसीईआरटी से नहीं आना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी से तो वो ये क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना। ओके गाइस, तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना होगा, लेकिन क्विट नहीं करना है इस क्वेश्चन को। इजी है क्योंकि, और जिस तरीके से मैंने करवाया है, जिस तरीके से मैं आपको इसे तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसे याद रख सकते हैं कि क्या करना है, मतलब क्या क्रोनोलॉजी होगी, तो आप प्लीज़ बने रहें इस क्वेश्चन में पूरे टाइम, इम्पॉर्टेंट है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, ये आपको पहले ही लुक में इस क्वेश्चन के समझ में इसलिए आ गया होगा क्योंकि x भी t के टर्म्स में डिफाइंड है, y भी t के टर्म्स में डिफाइंड है। अब आगे आप क्या करने वाले हैं, आगे आप दोनों को पहले t के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने वाले हैं और उसके बाद फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे किया ये मैंने। सबसे पहले यहाँ पर लगेगा क्वेश्चेंट रूल, क्वेश्चेंट रूल लगाना है, इसलिए अपन ने डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया, dy बाय dx ऑफ न्यूमरेटर दैट इज sin क्यूब t किया, माइनस sin क्यूब t एज इट इज छोड़ा न्यूमरेटर को इस बार, और डिफरेंशिएशन किया डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हुआ, इसलिए रूट हट चुका है। अब आगे आप देखिए sin क्यूब t के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले पावर का किया डिफरेंशिएशन तो 3 sin स्क्वायर थीटा हुआ, फिर sin t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी cos t, देन माइनस इस बार न्यूमरेटर का यानी कि sin क्यूब t का तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है रूट cos 2t का, तो चेन रूल इसमें लग जाएगा। आप जानते हैं रूट x का होता था 1 अपॉन 2 रूट x, इसलिए इसका हुआ 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, लेकिन अब क्योंकि चेन रूल लगना है तो रूट के अंदर क्या है उसका भी डिफरेंशिएशन देंगे, तो cos 2t का होगा माइनस का sin 2t। अब चेन रूल के हिसाब से 2t का भी करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंड अल्टीमेटली इसे सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेकर मुझे मिला cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस ये माइनस माइनस प्लस sin क्यूब t डॉट sin 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। जिस तरीके से मैंने dx by dt को किया है ठीक इसी तरीके से आप dy by dt का करेंगे। मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए स्क्रीन से आउट हो रहा हूं सो दैट आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया उसे देख लें। टेक अ लुक ऑन दिस। सो आई होप कि आप लोगों ने dy by dt कैसे निकालना है वो बिल्कुल देख लिया होगा। अब dy by dt देखने के बाद, dx by dt देखने के बाद, अब आपको dy by dx जब निकालना है तो आप जानते हैं dy by dt upon dx by dt कर देना चाहिए, तो बिल्कुल वही किया है। तो डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम टू सेम है, इसलिए मैंने दोनों के डिनोमिनेटर कहीं मेंशन नहीं किए हैं, वो जब डिवाइड किया तो कट गया ऐसा मैंने मानकर सिर्फ और सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर एक दूसरे के नीचे लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं वहां पर साफ साफ कि माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t, देन 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t। इसके आगे थोड़ा सा हौले हौले बढ़ना है, किस तरीके से वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला काम जो मैंने किया है यहाँ पर sin 2t, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि किस तरीके से इसे खोल सकते हैं, तो हम इसे एंटी लगा देंगे। दिख तो cos 2t भी रहा है मेरे को, कहाँ दिख रहा है ये, ऊपर दिख रहा है cos 2t, नीचे भी दिख रहा है cos 2t, लेकिन इसके एंड लगाने के लिए मैंने अभी आपको नहीं बोला है उसके पीछे की रीजन है। उसका रीजन ये है कि cos 2t के कई सारे फॉर्मूले हैं, आप कौन सा कहाँ लगना है, किस लोकेशन पे हमें फ़ायदा होगा किसी फॉर्मूले को लगा के, वो हम थोड़ी देर बाद डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को अभी रोक के रखना, सिर्फ sin 2t की सब्सटीट्यूशन तुम कर दो एंटी के, जो कि होते हैं 2 sin t cos t। सो आफ्टर डूइंग दैट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस 2 sin t cos 4t यहाँ पर हुआ,
3 sin square t cos t cos 2t plus 2 sin 4t cos t कैसे हुआ, मैं आपको एक बार बता देता हूं। sin 2t अगर यहां पर आएगा तो क्या आएगा, 2 sin t cos t, तो आप यहां पर cos की पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली मैंने इस स्टेप में लिखा 2 sin t cos 4t एंड इसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में भी काम कर दिया। अब क्या करना है, देखो जैसे कि ऊपर से तुम्हें साफ-साफ दिख रहा है कि कॉमन क्या निकाल सकते हो, cos square t sin t कॉमन निकल सकता है ऊपर से, और नीचे से sin square t cos t कॉमन आराम से निकल सकता है, मगर नहीं निकाला। निकाला क्या, निकाला सिर्फ cos t sin t ऊपर से और नीचे से भी cos t sin t। उसके पीछे रीजन था कि ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। अगर हम पहले जो बोल रहे थे वो कॉमन निकालते तो ऊपर एक cos t बचता, नीचे एक sin t बचता, जो कि मुझे नहीं बचाना था। आप भी ऐसे ही याद रखेंगे कि आपको यहां पे cos t और sin t नहीं बचाना था, जितना निकालेंगे उतना सारा कैंसिल होना चाहिए। उस माइंड स्टेट के साथ अपन ने इस स्टेप को एग्जीक्यूट किया। अब आगे आती है बारी cos 2t के सब्स्टिट्यूशन की। अब वो कैसे डिसाइड करें कि cos 2t की कौन से फॉर्म में लगाएंगे, हम यहां पर तीन फॉर्मूले जानते हैं cos 2t के, चार भी जानते हैं, और tan वाले को छोड़ दो, tan के टर्म्स में जो होता है। अभी मैं आपको cos 2t के तीन फॉर्मूले बोलता हूं, cos square t minus sin square t, 2 cos square t minus 1, 1 minus 2 sin square t। पहले वाला तो कैंसिल कर दो क्योंकि उसमें एक साथ दो रेशियोज हैं, cos और sin, मैं उसको हटा देता हूं। अब बचे दो, अब उन दो में कौन सा कहां लगना है ये देखो कैसे डिसाइड करना है। ऊपर मेजॉरिटी किसकी है, cos cos, तो इधर पे तुम लगाओगे 2 cos square t minus 1। नीचे मेजॉरिटी किसकी है, sin sin, तो तुम नीचे लगाओगे 1 minus 2 sin square theta। ये सोच के साथ तुम्हें ये cos 2t के सब्स्टिट्यूशन करने हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिला, minus 3 cos t 2 cos square t minus 1 plus 2 cos cube t, और यहां पर 3 sin t 1 minus 2 sin square t plus 2 sin cube t। गाइस अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, तो ये हुआ माइनस का 6 cos cube t plus 3 cos t plus 2 cos cube t upon 3 sin t minus 6 sin cube t plus 2 sin cube t। अब आप यहां पर अगर minus 6 और plus 2 को सॉल्व कर दें तो माइनस का 4 cos cube t plus 3 cos t मिला। डिनोमिनेटर में भी सेम तरीके से 3 sin t minus 4 sin cube t मिल चुका है। अब आगे आप देखें क्या करना है, यहां से माइनस साइन कॉमन निकालना है, तो मिला अपन को 4 cos cube t minus 3 cos t, क्योंकि अब हमारे इंटेंशंस आइडेंटिटी बनाने के हैं, तो हम यहां पर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। ये बिल्कुल सही फॉर्म दिख रहा है, 3 sin t minus 4 sin cube t, इसको भी ब्रैकेट दे दिया। अब आप जानते हैं ये होता है cos 3t और नीचे वाला होता है sin 3t, cos 3t upon sin 3t होगा cot 3t। सो भैया ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहां पर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमें तो dy by dx निकालना था सर, अगर हम यहां पर छोड़ देते हैं dy by dx निकाल के तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, तो क्या हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो गाइस क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, इसका आंसर यहां तक सिंपलीफाई करके लेके आना बिल्कुल जरूरी बोलूंगा मेरे ओपिनियन में, क्योंकि आप अगर कोई नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि आउट ऑफ दी एनसीईआरटी आता है तो उसके आंसर को यहां तक के लिए थोड़ा सा ना आप समझो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा चेक करने वाले के लिए, कि वो यहां तक आप करने पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स दे देगा सोच के कि चलो ठीक है अलग क्वेश्चन था एनसीईआरटी से बाहर का था। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन अगर आया है तो भाई कोई रहम की गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हें इसे यहां तक ही करना होगा इन माय ओपिनियन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सो इफ y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b है तो निकालो dy by dx, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन में एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि हमारे पावर में भी फंक्शन ही है x या y के फॉर्म में, तो हम यहां पर log लगाएंगे, मगर एक रिस्ट्रिक्शन फिर याद आ गई हमें log की, कि log कभी भी दो फंक्शंस जब एडिशन में होंगे या सब्ट्रैक्शन में होंगे तब नहीं लगाया जा सकता। मतलब लगाना भी है और नहीं भी लगा सकते। अब इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, आइए सीखते हैं, लेट्स डू इट। ओके सो बड़ा तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इसके प्रोसेस में हमने क्या किया है, आइए देख लीजिए। हमने यहां पर सबसे पहले इस रिस्ट्रिक्शन को रिलीव करने के लिए इनको सब्स्टिट्यूट कर लिया, कैसे, u को ले लिया हमने y की पावर x, x की पावर y को ले लिया v, x की पावर x को ले लिया हम लोगों ने w, और अब इंडिविजुअली एक एक पार्ट को हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने यहां पर ये सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में u v w और a की पावर b,
और डिफरेंशिएट कर दिया इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. क्योंकि भैया ये जीरो होना था इसलिए इसको कोई हमने सब्स्टिट्यूशन में कंसिडर नहीं किया है, है ना, क्योंकि जिसको जीरो होना ही है उसे सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी एक स्टेप को वेस्ट करते. अब अपन बात कर रहे थे कि अपन लोगों को यहाँ पर इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है, वो इसीलिए क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसे क्वेश्चन में वैल्यूज को डालोगे. सो हियर इज द प्रोसेस, किस तरीके से इसे किया हुआ है आप देख सकते हैं. सबसे पहले यू इक्वल्स टू वाई की पावर एक्स को कंसिडर किया और डिफरेंशिएट किया. तो किस तरीके से हुआ ये आइए देख सकते हैं. सबसे पहले लॉग ले लिया है बोथ साइड, तो लॉग यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई की पावर एक्स, एक्स यहां पर गया, अब प्रोडक्ट रूल लग गया, वन डॉट लॉग वाई प्लस एक्स, अब लॉग वाई का किया तो वन अपॉन वाई और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स. उस तरीके से लॉग यू का किया तो वन अपॉन यू, लेकिन क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए इसको लिखा डी यू बाई डी एक्स. नेक्स्ट स्टेप में डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इस तरफ गया, ब्रैकेट बना दिया एंड देन यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने कितना वाई की पावर एक्स. तो ये मेरा अल्टीमेट इक्वेशन नंबर टू तैयार हो चुका है. आप देख सकते हैं अब कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर थ्री बनाई है डिफरेंशिएट करके लॉग लगा के बोथ साइड, और लास्टली हमने कंसिडर किया डब्ल्यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स को और उसे भी कुछ इस तरीके से रिजॉल्व करके हमने कंडीशन नंबर फोर ऑप्टेन करी. अब ये जब हमारे सामने डी यू बाई डी एक्स सेकेंड में, डी वी बाई डी एक्स थर्ड में और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फोर्थ में आ चुका है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. आप देख सकते हैं पेशेंटली मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ ताकि आप यहाँ तक के प्रोसेस को समझ पाएँ, फिर आगे की बात आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक मेरा है, आपका नहीं, आपको इस क्वेश्चन को देखना है. हाँ भाई, होपफुली आप लोगों ने इस प्रोसेस को देख लिया कि ये तीनों चीजें सब्स्टिट्यूट जब करेंगे सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन वन में तो हमें ये कैसे मिलने वाला है. अब आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जहाँ हैं वहीं रहने देंगे और उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए टर्म्स हम दूसरे साइड लेके जाएंगे. जगह की कमी के कारण मैंने एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ बनाया है और इसमें थोड़ा छोटे छोटे फॉन्ट में सब कुछ लिखा भी है. आइए देखें कैसे. ये अपन लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ देखें, पहले ये एक रिजॉल्व कर दूँ इस पर्टिकुलर कंडीशन को. ये दो जगह पर है, वाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई. अगर मैं देखूं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ए की पावर एम अपन ए की पावर एन कितना होता है, ए की पावर एम माइनस एन, उस प्रॉपर्टी से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वाई की पावर एक्स माइनस वन इन टू एक्स. और सेम उसी कॉन्सेप्ट से एक्स की पावर वाई अपन एक्स को भी लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई माइनस वन. तो ये हो जाएगा कंप्लीट दिखने पर एक्स की पावर वाई माइनस वन डॉट वाई. तो ये दो चीज़ें यहाँ अपन ने सॉल्व करके रख दी हैं. तो अब आप देखो ये ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म, ये और ये केवल ये रहेंगे आपके LHS वाले साइड पर और RHS पर चला जाएगा बाकी सब कुछ. तो आपने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया है क्योंकि सारे टर्म्स बचे हुए पॉजिटिव थे जो उस साइड जाने वाले हैं, तो माइनस साइन बाहर ब्रैकेट के और उनको पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने दिया. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया. सो चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में क्विक ड्राइव के क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए. टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग द लव by sharing the post on social media कि भाई क्विक रिविजन जैसा कोई प्रोग्राम है जो 12th के बच्चों के संकट को हरण करने के लिए प्रकट हो चुका है YouTube के चैनल अर्बन विद्या पे.